2022 गुजरात को नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन और अधिक ऊंचाइयों को ले जाने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जो लोग वंचित है, दुर्वंचित इलाकों में रहते हैं, ऐसे गरीब परिवार अब हमारे प्रयासों के केंद्र में होने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया। उनके इस सूत्र को हम चरितार्थ करेंगे। आइए हम श्री नरेंद्र मोदी की मेहनत को सार्थक करें। आइए हम सब मिलकर भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करें। अगले 25 साल देश और राज्य के लिए अमृत काल है, जब देश आजादी को 100 साल मना रहा होगा और श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विकास का नया इतिहास बनेगा, तो इसकी शुरुआत गुजरात से ही होगी। आइए गुजरात को समृद्ध बनाए और विकास की नई ऊंचाइयों के हौसले करें। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर आप सभी ने जो प्यार और समर्थन जताया है, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार मानता हूँ। एक बार फिर गुजरात की जनता जनार्दन के इस जनादेश को हृदय से स्वीकार करते हुए प्रत्येक गुजरात वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गुरु। गुजरात की जनता नो पण खूब आभार। आटली मोटी संख्या में पत्रकार भाइयों बहनों उपस्थित छो, आप सबनो पण हृदयपूर्वक आभार। आपने कई प्रश्न पूछा है तो माननीय परेश